छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव सहित 3 के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत जगलाल चौधरी महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये प्राथमिकी उनके कोर्ट परिवाद के आधार पर छपरा शहर के SC ST थाने में दर्ज की गई। कोर्ट परिवाद के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, कुल सचिव डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू एवं वित्त परामर्शी अशोक कुमार पाठक को विभिन्न धाराओं में नामजद किया गया है, जिसके बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि आरोपों को छिपाने के लिए निलंबित प्राचार्य ने किया ST SC केस। मामला मेरे विश्वविद्यालय में योगदान देने के पूर्व का है। निलंबित प्राचार्य डॉक्टर रामानंद राम के द्वारा अपने महाविद्यालय में शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, इस तरह के कई आरोप प्रधानमंत्री कार्यालय में उसी महाविद्यालय के किसी शिक्षकों के द्वारा आरोप पत्र भेजा गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके ऊपर कमेटी बनाकर जांच करने का आदेश पत्र निर्गत किया गया, जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ, जिसके बाद एक जांच कमेटी बनाकर इन पर जांच की गई, जिसके बाद उन पर कार्यवाही करते हुए उनको तत्काल पद से निलंबित कर दिया गया, जिससे वे आक्रोश में आकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जाँच के क्रम में एक और बात सामने आई थी, निलंबित प्राचार्य डॉक्टर रामानंद राम की धर्म पत्नी सुनीता कुमारी छपरा सदर प्रमंडल के मगाई जी मिडिल स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने अपने विद्यालय से गृह अवकाश की छुट्टी लेकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जैसे तैसे कर्मचारियों से मिलकर डिग्री हासिल की और साथ में अतिथि शिक्षकों के रूप में विश्वविद्यालय में अपना योगदान भी, जिसका उन्हें भुगतान भी विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। जिसके बाद मामले को उजागर होने के बाद शिक्षिका विद्यालय ने विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा, तो पता चलता है उक्त शिक्षिका ने विद्यालय से छुट्टी लेकर अतिथि शिक्षिका का कार्य कर रही थी, जो नियम के तहत गलत था। इन सभी मामलों से घबराकर निलंबित प्राचार्य ने झूठी कहानी रचकर कुलपति और कुल सचिव पर SC ST का प्राथमिकी दर्ज कर आरोपों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है न्यायालय से हमें न्याय जरूर मिलेगा। की जांच की जा रही है, किस तरह के आरोपों में वो घिरे हुए हैं जिससे पीड़ित होकर के उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? वो ब्राइबरी के आरोप में, उन पर ब्राइबरी का आरोप है, शिक्षकों के साथ मिसकंडक्ट का आरोप है, ये तमाम आरोप है। और उस आरोप के संबंध में ये आज से नहीं है, बहुत पहले से, तभी किसी ने पीड़ित होकर प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखा और वहां से आया यहाँ, हाँ, नियमानुकूल ढंग से कार उस पर जांच करवाने की, और हम लोग काम कर रहे हैं। उनके वाइफ पर भी आपने आरोप लगाया? नहीं, उन पर आरोप नहीं लगाया है। वो जो उन्होंने काम किया है यहाँ, वो गेस्ट शिक्षिका के रूप में, ये मगाई डी स्कूल में वो टीचर है, पत्नी उनकी, और वहां से वो छुट्टी लेके, आप एकेडमिक उन्नयन के लिए तो छुट्टी ले सकते हैं, दूसरे जगह नौकरी करने के लिए आप छुट्टी नहीं ले सकते, तो उन्होंने वहां से छुट्टी लेके और यहाँ गेस्ट टीचर के रूप में वो काम कर रही थी। ये देखिए, ये भी आप ये देखें, ये पत्नी उसे डिग्री कैसे ले ली? हाँ, ये तो हमने कहा है कि वो शिक्षिका है वहाँ और बिना छुट्टी ली है, यहाँ से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में उन्होंने डिग्री ली है। अब उनको ये डर है, माननीय प्राचार्य महोदय को डर है कि सारा मामला जांच के दायरे में है और यदि नियमानुकूल ढंग से जांच हो जाएगा तो ये मामला बहुत ही गंभीर है। इसी के कारण कि एक डर का माहौल पैदा किया जाए, एक दबाव बना के इस सारे मामले को रफा दफा किया जाए। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय से आया हुआ है पत्र। R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट, सारण, बिहार से। बिहार के ज्यादातर जिलों में स्कूलों की जमीन अतिक्रमण की चपेट में है। बड़ी बात ये है कि जिले के पास बड़ी संख्या में स्कूलों की जमीन के कागजात ही नहीं है, कई कागजात गायब। जब सरकारी स्कूलों की पड़ताल की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पता चला कि स्कूलों की जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। स्कूल के जमीन को मुक्त कराने के लिए प्रिंसिपल राघव कुमार भास्कर के आवेदन पर भी प्रशासनिक विभाग द्वारा अवैध कब्जे से मुक्त नहीं करवाना वाला सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वही सिर्फ महाराजगंज की बात नहीं है, सिवान के 60% स्कूल के पास कागजात नहीं है। 30% स्कूलों की जमीन पर अवैध कब्जा है। 19 स्कूलों की जमीन पर अवैध कब्जा है गोपालगंज की। सारण की 20% स्कूलों के पास जमीन के दस्तावेज नहीं है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्कूल के प्रिंसिपल राघव कुमार भास्कर ने बताया कि विद्यालय की जमीन पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कब्जा कर घर बनाया जा रहा है। स्कूलों की खबरें चलने के बाद, परंतु अंचलाधिकारियों की जांच के बाद भी अवैध कब्जा जोरों पर है। 7 अवैध कब्जे वाली वस्तुओं को छीनकर छितर बितर किया गया है, परंतु अवैध कब्जे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अवैध कब्जे करने वाले गुड्डू बरनवाल व उदय प्रसाद ने बताया कि हम लोग घर बनवा रहे थे तो पतैड़ी उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल ने स्कूल के बच्चों से काम रुकवाया। वहीं स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे व कब्जे करने वालों के अपने अपने दावे कर रहे हैं। कई प्रशासन की लापरवाही भारी मुसीबत का सबक न बन जाए, ये जांच का विषय ही स्कूल की जमीन है या कब्जे करने वाले का, जल्द से जल्द प्रशासन इस मामले को सुलझा ले, ना तो कभी भी भयंकर अप्रिय घटना घट सकती है। स्थिति दोनों तरफ से तनाव नजर आ रहा है।
सर क्या कुछ मामला है? पटेल हाई स्कूल का जमीन है, ये अतिक्रमण हो रहा है। कहाँ पर? रोड के किनारे। क्या इसको लेकर आप संबंधित अधिकारी को आवेदन दिए हुए हैं? सीओ साहब के जो है आवेदन कल भिजवाए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, कुछ दिया गया कि नहीं? कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया। उसके बाद वहाँ पर क्या हो रहा है, जमीन जब कब्जा हुआ है तो क्या हो रहा है? हम लोग जाकर जो है मना कर दिए हैं कि कहे हैं इसको रोक दीजिए, हम लोगों का विद्यालय का जमीन है, लेकिन वो मान नहीं रहे। शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी को आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि नहीं? ग्रुप में भेज दिया गया है। उसके बाद क्या शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कुछ? कोई आश्वासन नहीं। कुछ आश्वासन नहीं। वो जिला अधिकारी को आवेदन दिए हैं? जिला अधिकारी एक बार अपना परिचय दे दीजिए। प्रधानाचार्य आद्या उच्च विद्यालय पटेल। क्या कुछ मामला है यहाँ पर, बच्चे आकर हमला किए और आपके आप लोग यहाँ पर घर बना रहे हैं और घर को रुकवा दिए बनाने से? हम लोग 2019 में जमीन रजिस्ट्री कराए और हम लोग अपना रसीद भी कटवा लिए हैं और उसका जो लगान जो खर्च सब हम लोग पेड कर चुके हैं। अपना हम लोग काम करा रहे हैं अपने जमीन में, मास्टर साहब आकर के इसको एथी कर रहे हैं, रोक रहे हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। क्या कुछ मामला है कि यहाँ पर बच्चे आकर हमला किए और आपके काम को रुकवा दिए? हम लोग अनिल सोनी से जमीन लिए हैं 2019 में। हम लोग नाम से हम लोग रजिस्ट्रि कराए हैं, बैनामा जमीन है, इसका दाखिल भी खारिज कराए हैं, इसका रसीद भी हमारे पास है। हम अपने जमीन पे अपना काम करा रहे हैं, मास्टर साहब लोग स्कूल का जमीन का दावा करके हमारा काम रुकवा रहे हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गुड्डू बरनवाल है। घर बरौली। R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट, सारण बिहार से।